तो चीन सिर्फ पानी के जरिए ही नहीं मोबाइल के जरिए भी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। आपने सुना होगा कि एप्स के जरिए डेटा चोरी हो रहा है और उनके इस्तेमाल से आपकी व्यक्तिगत जानकारियां चोरी हो रही हैं। लेकिन चीन तो सेना के जवानों की ही डिटेल्स चुरा रहा है। जो चीन डोकलाम भारत का सामना नहीं कर सका वो अब मोबाइल एप्स को हथियार बनाना चाह रहा है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन भारतीय सेना के अफसरों और जवानों के फोन से डेटा चुरा रहा है। आईबी के मुताबिक ट्रिकॉलर, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, क्लीन मास्टर, 360 डिग्री सिक्योरिटी जैसे फोन में आम से दिखने वाले 42 एप्स चीन के सर्वर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारत से जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स कलेक्ट कर सकता है, आर्म फोर्सेस के बारे में, स्ट्रेटेजिक जो हमारे एसेट्स हैं उनके बारे में, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में, ताकि वो कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर कर सके। तो ये एक थ्रेट है और बहुत सीरियस मुद्दा है मैं समझता हूँ। इन ऐप से इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी से चीन भारत के खिलाफ नई साजिश रचने की तैयारी में है। हाल ही में गूगल ने प्ले स्टोर से चीनी कंपनी अलीबाबा के यूसी ब्राउजर ऐप को अस्थायी तौर पर हटा दिया था। इसके साथ ही यूसी ब्राउजर पर डेटा सुरक्षा उल्लंघन का आरोप भी लगाया था। ऐसे में चीन की चोरी की इस नई चाल से सचेत रहने की जरूरत है। जब सेना को ऐसी खुफिया जानकारी मिली तो सेना ने अपने जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के मुताबिक मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड एप्लीकेशन का प्रयोग न करने को कहा गया। एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि ऐसे ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर मोबाइल फॉर्मेट कर दें। सेना के जवानों और आईटीबीपी को पहले भी साइबर सुरक्षा से जुड़े निर्देश दिए जाते रहे हैं। तो क्या सेना के अलावा आम आदमी को भी उन ऐप से सावधान रहने की जरूरत है जो आपकी पर्सनल जानकारी इकट्ठा करते हैं? और यही शंका हमेशा चाइनीज मोबाइल फोन और ऐप्स को लेकर भी जताई जाती रही है। यूसी ब्राउजर को तो लेकर पूरे वर्ल्ड में बहुत बार ये बहस छिड़ी है कि भाई ये एक तरह से स्पाईवेयर है। जो 40-50 ऐप्स हैं जिनका चाइनीज ओरिजिन या चाइनीज लिंक है और वो मोबाइल ऐप्स हैं जो कि आप मतलब आपका सारा का सारा डेटा चुरा सकती हैं। यानी मोबाइल फोन से जुड़े इस्तेमाल को लेकर सचेत रहें। क्यों देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं हम सब की है। यूसी ब्राउजर के बाद और इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं मैं। ओके, थैंक यू गाइस।